हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, कुछ ऑपरेटर्स, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। आज हमारा है नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। पांच हमारे हो गए थे, आज है छह नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो छह नंबर रिलेशन है डेल ऑपरेटर माइनस नेवला ऑपरेटर इक्वल टू डेल नेवला, ये वाला प्रूव करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रूफ करना, ये वाला प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या मान लिया, लेट फंक्शन वाई बराबर क्या है हमारा एफ एक्स, इसके ऊपर ये जो फंक्शन दे रखा है इस पे इसकी एल एच एस लगानी है। तो एल एच एस क्या है हमारे पास, एल एच एस एट्स डेल ऑपरेटर माइनस नेवला ऑपरेटर फलन एफ एक्स पर क्या करना है, लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले डेल ऑपरेटर और नेवला ऑपरेटर की डेफिनेशन फिर बता देती हूँ। किसी भी फंक्शन पर जब हम डेल ऑपरेटर लगाते हैं तो पहले क्या आता है, फंक्शन के वेरिएबल में फाइनाइट डिफरेंस एच की वृद्धि माइनस मूल फंक्शन आता है, डेल ऑपरेटर में बाद में मूल फंक्शन आता है। परंतु नेवला ऑपरेटर की जो डेफिनेशन होती है किसी भी वेरिएबल पर, तो पहले मूल फंक्शन माइनस मूल फंक्शन के वेरिएबल में से फाइनाइट डिफरेंस एच की कमी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डेल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स की तो डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, ये जो फंक्शन दे रखा है उसके वेरिएबल एक्स में फाइनाइट डिफरेंस एच की वृद्धि, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस मूल फंक्शन, ये तो क्या है डेल ऑपरेटर के लिए माइनस मूल फंक्शन क्या आता है, लास्ट में आता है। परंतु नेवला ऑपरेटर जो है उस पे जब डेफिनेशन लगाते हैं तो क्या आता है, मूल फंक्शन आता है पहले, माइनस मूल फंक्शन के वेरिएबल में से एच की कमी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। अब इसको आगे लेके बढ़ते हैं, एफ एक्स का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दिस इंप्लाइज डेल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स माइनस नेवला ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको एक बार एज इट इज रख लेते हैं, इस पर नेवला ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाते हैं। तो समीकरण दो से परिभाषा नेवला ऑपरेटर की हो जाएगी, तो यह आ जाएगा डेल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स माइनस का साइन बाहर है, नेवला ऑपरेटर की पहले मूल फंक्शन माइनस मूल फंक्शन के वेरिएबल में से फाइनाइट डिफरेंस एच की कमी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेल ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस का साइन, ये देखो स्टूडेंट्स क्या बन गई है, ये देखो हमने मान लिया कि मूल फंक्शन ये वाला है, ठीक है, ये मूल फंक्शन है और इस मूल फंक्शन में एच की वृद्धि करते हैं। जैसे इसमें ये मूल फंक्शन मान लिया एक्स माइनस एच क्या है, मूल वेरिएबल है और इसमें एच की वृद्धि कर रहे हैं, तो एच से एच कैंसिल एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्या बन रहा है, एच की वृद्धि से मूल वेरिएबल बन रहा है एक्स, और ये क्या है एक्स माइनस एच मूल वेरिएबल। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई स्टूडेंट्स, ये डेल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स माइनस एच की डेफिनेशन बन गई, क्योंकि पहले मूल वेरिएबल के चर में एच की वृद्धि करेंगे तो एफ एक्स आएगा माइनस मूल वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, माइनस का साइन है इधर, इधर डेल है, या डेल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स माइनस का साइन डेल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों में से क्या ले लेंगे, डेल ऑपरेटर बाहर ले लेंगे, तो यह आ गया एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो पहले मूल फंक्शन माइनस मूल फंक्शन के वेरिएबल एक्स में से एच की कमी, तो ये डेफिनेशन बन गई नेवला ऑपरेटर वाली, बन गए स्टूडेंट्स। पहले मूल फंक्शन फिर मूल फंक्शन के वेरिएबल में फाइनाइट डिफरेंस एच की कमी, तो यहां से आ गया हमारे पास क्या लेके चले थे, डेल ऑपरेटर माइनस नेवला ऑपरेटर फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आ गया इधर डेल ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, डेल ऑपरेटर आ गया पहले, फिर ये आगे वाली डेफिनेशन बन गई नेवला ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। समीकरण दो से एफ एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डेल ऑपरेटर माइनस नेवला ऑपरेटर इक्वल टू आ गया डेल नेवला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर सिक्स। आगे वाला है रिलेशन नंबर सेवन, सेवन नंबर है आइडेंटिटी ऑपरेटर प्लस डेल ऑपरेटर, फिर है इनटू आइडेंटिटी ऑपरेटर माइनस नेवला ऑपरेटर इक्वल टू आइडेंटिटी, ये वाला प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाला प्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसकी एलएचएस ले लेते हैं, प्रूफ करने के लिए
मानना या लेट फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली एल एच एस इसकी इस फंक्शन पे लगाते हैं, एल एच एस फलन वाई बराबर एफ एक्स पर लगाने पर। तो आइडेंटिटी प्लस डेल आगे वाला आ गया, आइडेंटिटी माइनस नेबला इनटू फंक्शन एफ एक्स पे लगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस सिंप्लाइज अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला लेके चले हैं, क्योंकि रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स की पांच प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई है। तो पहले क्या है, क्योंकि आइडेंटिटी प्लस डेल ऑपरेटर इक्वल टू होता है शिफ्ट ऑपरेटर, पहली प्रॉपर्टी थी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, और आइडेंटिटी माइनस नेवला ऑपरेटर इक्वल टू होता है ई इनवर्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पांच नंबर प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों मान रख लेंगे इसमें, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास इसका मान आ गया ई, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका मान आ गया ई इनवर्स इनटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या आ गया, ई की वन है, ई की इनवर्स है, तो ये क्या आ जाएगा, ई नोट फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, हमारे पास मूल रूप से आइडेंटिटी प्लस डेल और आइडेंटिटी माइनस डेल ऑपरेटर के इक्वल है, बार है फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ई नोट का मान क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी, ई नोट इक्वल टू वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा आइडेंटिटी प्लस डेल, आगे वाला आइडेंटिटी माइनस डेल फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वन हो गया, तो वन इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी फलन पे जब आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या रहता है, फलन अपरिवर्तित रहता है, यही आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन है। तो यहां से एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया आइडेंटिटी प्लस डेल और आइडेंटिटी माइनस नेवला, आइडेंटिटी माइनस नेवला ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी माइनस नेवला इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो ये क्या बन गई, इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है प्रॉपर्टी नंबर एट। प्रॉपर्टी नंबर एट क्या है स्टूडेंट्स, ये है e इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू होता है e की पावर एच डी, जहां पर d इक्वल टू है डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स या f डैश x, ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला प्रूव करना है हमें, लास्ट प्रॉपर्टी है ये ऑपरेटर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रूफ करने के लिए क्या मान लिया, प्रूफ करने के लिए वही लेट फंक्शन y बराबर क्या मान लिया, एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, e शिफ्ट ऑपरेटर एल एच एस ये वाली है, फलन किस पे लगाना है, एफ एक्स पे। एक बार लगा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मूल वेरिएबल के मान में फाइनाइट डिफरेंस h की वृद्धि, तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पर क्या लगाना है, टेलर थ्योरम लगाना है, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच का टेलर पर में से प्रसार करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एफ वन प्लस एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस सोन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला मान क्या रख लेंगे, इधर रख लेंगे, तो ई फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास वन प्लस एफ एक्स, क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास वन प्लस एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन। ये वाली डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स इसकी, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एच स्क्वेयर एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस सोन, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर ली, आ जाएगा ई एफ एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये एफ एक्स का एफ एक्स रख लिया प्लस एच, ये क्या है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, डी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स या एफ डैश एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या लिखेंगे, एच डी फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है अपॉन फैक्टोरियल वन, तो ये आ जाएगा एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू, दो बार डेरिवेटिव है तो डी स्क्वेयर फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस सोन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ एक्स से सभी में कॉमन बार ले लेंगे, तो यहां से आ गया वन प्लस एच डी
अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच डी की होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सोन ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। बार है फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो ये किस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन होती है ई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सोन ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ई की पावर एच डी की डेफिनेशन बन गई, तो ये आ गया ई की पावर एच डी इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर है शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ई इक्वल टू ई की एच डी, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां पर डी इक्वल टू है डी अपॉन डी एक्स या एफ डैश एक्स, या ये बराबर होता है डी एफ एक्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर्स, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, 8 रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखनी है, ठीक है। समझ में आ गए सभी को, थैंक यू।